kids let us start our subject evs in our previous video we read lesson number 7 in this lesson we learnt about family and its types we learnt that there are two types of family that are nuclear family and joint family then we learnt about the topic of first name and surname आई होप दैट नाउ these topics आर क्लियर टू यू Today वी विल solve द प्रैक्टिस वर्क ऑफ दिस लेसन सो ओपन पेज नंबर 37 of ऑफ book बुक Living लिविंग वर्ल्ड सी किड्स दिस इज पेज नंबर Write today's राइट on डेट ऑन दिस पेज समथिंग टू डू अब ये आपका बेटा इस लेसन में से प्रैक्टिस वर्क है जो कि आपने खुद से सॉल्व करना है

फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दिस हेल्प बॉक्स ज्वाइंट ज्वाइंट फैमिली बेटा हमने कल ज्वाइंट और न्यूक्लियर फैमिली के बारे में अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ज्वाइंट फैमिली होती है जिसमें पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स चिल्ड्रन होते हैं और उसमें मेंबर्स ज्यादा होते हैं ज्वाइंट फैमिली में नेक्स्ट वर्ड है सेवन पेरेंट्स पेरेंट्स मतलब माता पिता मतलब कि आपके फादर और आपके मदर चिल्ड्रन मीन्स बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं बेटा दादा दादी पेरेंट्स होते हैं मम्मा पापा और ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं दादा दादी नाउ अस स्टार्ट टू रीड दिस दिस सेंटेंसेस फैमिली हैज़ डैश मेंबर्स मेंबर्स बेटा जो लोग फैमिली में रहते हैं वो हमारी फैमिली के मेंबर्स बन जाते हैं दिस फैमिली हैज डैश मेंबर्स नाउ टेल मी किड्स हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन देर आर सेवन मेंबर्स इन दिस फैमिली सो हेयर इज अ वर्ड सेवन यू विल टिक इन दिस वर्ड एंड फिल हेयर एस ई वीई एन सेवन फिल इन दी ब्लैंक्स करते हुए बेटा आपने एक बात का और ध्यान रखना है अगर फिलअप आपकी सेंटेंस के सेंटर में है मतलब सेंटेंस के बीच में है या फिर लास्ट में है तो आप उस वर्ड के सभी लेटर स्मॉल डालेंगे ओके okay? और अगर ये फिलअप आपकी सेंटेंस के स्टार्टिंग में होती तो हम इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल डालते और बाकी सारे लेटर्स स्मॉल डालते तो आपने इस बात का ध्यान रखना है नेक्स्ट देखिए रानी राजू एंड रीटा आर द अब इस पिक्चर में देखिए बेटा रानी राजू एंड रीटा ये तीनों कौन है दीज आर चिल्ड्रन सो यू विल फिल दिस वर्ड इन दिस फिलप ओके दिस फैमिली आर्सो हैज डैश एंड डैश अब इस फिलप में आपके बेटा टू ब्लैंक्स है तो आपने इन दोनों को फिल करना है दिस फैमिली आर्सो हैज इस फैमिली के पास डैश और डैश भी है क्या कुछ है बेटा इसके पास पेरेंट्स भी है और ग्रैंड पेरेंट्स भी है तो आपने यहाँ पर एक फिलअप में फिल करना है पेरेंट्स और दूसरी में क्या फिल करेंगे ग्रैंड पेरेंट्स ओके नेक्स्ट देखिए इट इज अ डैश फैमिली अब आपने बताना है ये जो फैमिली है ये कौन सी टाइप है फैमिली की ज्वाइंट फैमिली ओके बिकॉज ज्वाइंट फैमिली हैज पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन सो वी विल फिल वर्ड ज्वाइंट हेयर ओके नाउ लेटर्स सी इट्स नेक्स्ट पार्ट दिस इज द फैमिली ऑफ कनिका चावला सी किड्स हेर इज अ पिक्चर ऑफ फैमिली यहां पर एक और फैमिली की बेटा पिक्चर है अब ये इस सेंटेंस में बताया है कि ये जो फैमिली है वो किसकी फैमिली है कनिका चावला की ओके okay बेटा कनिका चावला कौन है कनिका चावला बेटा इसमें इस गर्ल का नेम है ओके okay, अब आप इस नाम को ध्यान से देखिए बेटा कनिका चावला इस नाम को देखो आपको कोई टॉपिक याद आ रहा है बेटा ये टॉपिक आपका बनता है नेम और सर नेम वाला देखिए जो कनिका चावला ये जो पूरा नाम है गर्ल का इसमें कनिका क्या हो गया फर्स्ट नेम और चावला क्या हो गया कनिका का सर नेम ओके okay? आगे देखिए मिस्टर राम चावला इज हर डैश अब यहां पे देखिए रामचावला दिखाई गई हैं आपने बताना है मिस्टर राम चावला इज हर डैश की मिस्टर राम चावला उसके डैश है इसको फिल करने से पहले बेटा हम एक बार पहले हेल्प बॉक्स को देखेंगे चावला चावला क्या है बेटा इस फैमिली का सरनेम फादर फादर मींस पिता फोर फोर मींस चार मदर मदर मींस माता न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैमिली बेटा जिसमें मेंबर्स कम होते हैं और उसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन होते हैं ओके ना मिस्टर राम चावला इज हर डैश अब जो मिस्टर राम चावला है बेटा वो उसके डैश है उसके मतलब कनिका की बात कर रहे हैं ये ठीक है तो वो कनिका के क्या है father. तो आप father word को यहां पर फिल करेंगे नेक्स्ट मिसिस रीटा चावला इज हर डैश रीटा चावला मीन्स ये बेटा ओके रीटा चावला इज हर डैश अब रीटा चावला उसकी क्या लगती है बेटा मदर तो हम यहाँ पे मदर वर्ड फिल करेंगे मिसिस रीटा चावला जब बेटा पर्सन की देखो मैरिज हो जाती है तो उनके नाम के आगे मिसिस या फिर मिस्टर लग जाता है अगर जेंट्स हो तो उनके नाम के आगे लगेगा मिस्टर और अगर लेडी हो तो उसके नाम के आगे लगेगा मिसिज देखिए जैसे कि यहाँ पर कनिका के जो फादर है उनका नाम है राम चावला और उनकी मैरिज हो चुकी है बेटा तो उनके नाम के आगे यहां पर क्या लग गया मिस्टर ठीक है इसी तरह कनिका की मदर रीटा चावला अब इनकी शादी हो चुकी है ठीक है रामचावला से तो इसके नाम के आगे क्या लग गया मिसिज तो मतलब कि मिस्टर और मिसिस तब लगती हैं बेटा नाम के आगे जब किसी की मैरिज हो जाती है शादी हो जाती है ओके तो आपने इस कॉन्सेप्ट को भी अपने ध्यान में रखना है कि मिस्टर और मिसिस ठीक है नाउ मिसिज रीटा चावला इज हर डैश अब मिसिज रीटा चावला बेटा कनिका की क्या है मदर तो हम मदर वर्ड यहां पर फिल कर देंगे नेक्स्ट देखिए देयर आर डैश मेंबर्स इन हर फैमिली उसकी फैमिली में डैश मेंबर्स है अब बताइए कनिका की फैमिली में कितनी मेंबर्स हैं वन टू थ्री फोर सो फोर वर्ड आप यहाँ पे फिल करेंगे ओके इट इज अ डैश फैमिली इट इज अ डैश फैमिली कैसी फैमिली है बताइए न्यूक्लियर फैमिली ओके तो न्यूक्लियर वर्ड हम यहाँ पे फिल करेंगे कनिकास यहां पर बेटा कनिका के नाम के साथ ऊपर कॉमन लगाकर एस लिखा हो तो इसका मतलब बन गया कनिका का कनिका सर नेम कनिका का सर नेम क्या है बेटा अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ना बेटा कि कनिका चावला इसमें कनिका का सरनेम क्या है चावला तो यहां पर फिर उसका सरनेम क्या जाएगा चावला तो आप चावला वर्ड को यहां पर फिल करेंगे तो ये था बेटा आपका लेसन नंबर सेवन का प्रैक्टिस वर्क आज आपने बेटा इसी पेज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने कोशिश करनी है कि आप खुद से इन वर्ड्स को रीड कर सको इसके लिए आप मेरी वीडियो बेटा चाहे बार बार देखो लेकिन कोशिश करो कि आप खुद से इन वर्ड्स को रीड करना सीखो और फिर आपने इन फिलअप को फिल करना है ओके okay बेटा नाउ बाय टेक केयर हैव अ